दोनों किडनियां खराब है, डायलिसिस पे हूँ 2 साल 3 महीने से और मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, कि कैंसर बोन में, इसीलिए आपकी हड्डियों में सारे कष्ट बसे हुए हैं। बहुत परेशानी थी, ये बच्चा बहुत परेशान था, बस कह नहीं पाता था, इसके अंदर बहुत गंदे गंदे विचार चलते थे। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मुझे 17-18 साल हो गए, दोनों किडनियां खराब है, डायलिसिस पे हूँ 2 साल 3 महीने से और मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, कि कैंसर बोन में, इसीलिए आपकी हड्डियों में सारे कष्ट बसे हुए हैं, फेफड़ों में भी सारे कष्ट हैं, यूट्रस में तुम्हारे कोई इन्फेक्शन था यूट्रस में भी, और तुम्हारे भी एक वॉल्व हृदय का गड़बड़ाया। हाँ। जिसे चलने में हाफ नहीं आ जाती थी। हाँ। आती नहीं। उसी कारण से चलने में थकावट महसूस होती थी, बैठ करके उठने में कष्ट होता था। हाँ। MND की स्मृतियाँ थी, एंक्लोजिंग हो रहा था, अकलन जकलन सब थी। हाँ। वो सब सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस यहाँ से लेकर के नीचे और रीढ़ की हड्डी तक सारे कष्ट ही कष्ट थे, सब चले गए। अब फर्स्ट क्लास हो गई हो, बैठ उठ के देख सकती हो, बैठो जमीन में बाप, बैठिए, खड़े होइए, अभी बच्चों की तरह हो गई हो, ये आप नहीं कर सकती थी। गुरुजी मुझे यूरिन बिल्कुल ऐसे, नहीं आता। हाँ, आपके नीचे के पार्ट में देखिए सारे कष्ट यहीं नीचे, नाभि से तब नीचे ज़्यादातर कष्ट हैं। गुरुजी मेरी डायलिसिस बंद हो जाए, डायलिसिस से मैं बहुत परेशान हो गई। तो आराम मिलेगा ही बेटा, तो अभी असाध रोगों के लिए। गुरुजी मेरा एक ही बेटा है, उसको भी किडनी में प्रॉब्लम है जन्म से। वो एक ही स्मृति होती सब में रहती बेटा। क्या नाम है आपका? अनुराधा। आप कहाँ रहते हो? दिल्ली। जिसकी दूसरा बेटा किडनी गड़बड़, क्या नाम इसका? एक ही बेटा है गुरुजी मेरे पास। क्या नाम? प्रत्युष। 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 इसकी किडनी में सूजन है, हमने एक टेस्ट इसका भी जेंडर बदल गया है, ये अपने लड़का नहीं फील करता, सब गंदगी आपके यहाँ रही। इसका भी जो है पैर खराब हो रहा धीरे धीरे, और उसका पेट फूलता जा रहा है। इसके भी पैर गड़बड़ हो रहे थे, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, जो हम बोल रहे हैं तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता उसके बारे में। इसके पटेले, ये पैर के जो घुटने होते पटेले, वो इसके गड़बड़ हो रहे थे, बताएगा? माइक पे आओ बेटा, इधर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ सही गलत? सही बोल रहे हो, समझ रहे हैं? और ये लड़के से लड़की बनता जा रहा था धीरे धीरे, जेंडर बदल रहा था इसका, अपने आप को लड़का नहीं महसूस करता पूरा पूरा। अभी ये बच्चा आपने उसमें आया है, ठीक है? आंखें बंद कर बेटा जरा, इसका स्त्री से पीछे कीजिए, पुरुष तो आगे लाए जाए। शिव वायलेंस। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। 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 बढ़िया, खुश रहो, प्रसन्न रहो। आप अभी वहाँ डेट ले ना ऑफिस से महाहवन की, ये दरबार की ओर से असाध लोगों के लिए ये महाहवन, अच्छा अपना और बेटे का संकल्प लेके कर लेना। इस बच्चे की बहुत परेशानी थी, ये बच्चा बहुत परेशान था, बस कह नहीं पाता था, इसके अंदर बहुत गंदे गंदे विचार चलते थे और दूसरों के विचार आते थे, ये नहीं सोचता था, बाहर की गंदगी इसको दिन भर गंदा 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 सोचवाती थी, ये खुद ही परेशान था। हाँ या ना? हाँ। समझ रही है? अब ये सब अच्छे होके शुद्ध होके खड़े हो, आपके भी तमाम रोग और कष्ट गए, एक जितने कष्ट थे, ठीक है? जो किडनी वाला जो असाध्य रोग है बचा है वो अपना, ये महाहवन करिए, अच्छा खुश हो, प्रसन्न।